खाने में भी आफत हो गया, मुनाफा कहाँ से आया, खाने पे आफत हो गया। ये एक साल तो पूरा बर्बाद हो गया। नहीं आया है, कोई नहीं आना है देखने, पूछने तो देखने भी नहीं आए हैं, पूछने का तो अलग बात है, रोड पे से देखने भी नहीं आए आज तक ले अभी कोई। पूरा दहा गेल, गभार दहा गेल, अब हमने काम कर अब कुछ बर्बाद, अब धान दह गेल तब कथी कहिया ना कहिया, पीछे लौटते नहीं गए हमने। खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत लगता है। एक साल भर हम लोग क्या खाएंगे? परिवार में कितने लोग? 6 आदमी। सब आप पे आधारित होगा? मेरे ऊपर आधारित। बहुत समस्या होगी, बहुत समस्या होगी, बहुत भारी समस्या। अभी मोतिहारी प्रखंड में है हम, और स्थिति देखिए इतनी भयावह है। पीछे जो भी आपको दिख रहा होगा ये पूरा खेत हुआ करता था, चौड़ हुआ करता था, और अभी सिर्फ सपाट आपको पानी दिखेगा कि जैसे पानी का चादर बिछ गया। और ऐसे में किसानों की भारी क्षति हुई है। अगर आंकड़ा लगाएंगे तो ये लाखों करोड़ों का नुकसान है। अगर चूँकि 4-5 पंचायत जो है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, फसलों का भारी क्षति हुआ है। सरकार के वादे हैं कि मुआवजा मिलेगा, अब लोगों तक सरकार के लोग पहुँचे हैं या नहीं, अफसर पहुँचे हैं नहीं, क्या स्थिति है, लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? रीजा। कितना नाम? खेत लगभग डूबा होगा? 1 बीघा डूब गया? हाँ, एकदम डूब गया है। कितना पंचायत के आसपास के लोगों का डूबा होगा? 4 पंचायत। तो आपका जो आधार था वो खेती था कि और भी कुछ करता? बारी झाड़ी खेती, मजदूरी। हाँ, मजदूरी फिर करता है। तो कैसे साल भर काम कैसे चलेगा? कोई आया पूछने सरकार की तरफ से? व्यक्ति आया ना? नहीं आया, कोई नहीं आया। मुआवजा का बात हो रहा है, 7,000 मिलेगा, 7,000 में हो पाएगा, काम चलेगा? नहीं, जब 7,000 में कहाँ चलेगा, 20,000 से कम 20,000। अभी कोई हलचल लेने नहीं आया है, कोई नहीं आया लेने। ये पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो चुका है। आप ही खेती ही करते हैं? खेती ही करते हैं। 2 बीघा तो डूब गया है, एक पूरा धान फूट गया था, पूरा बर्बाद हो गया, उसके पानी बह रहा है। तो अब तो उम्मीद नहीं है कि एक से कुछ नहीं बचेगा, उसमें से एक दाना भी नहीं आएगा, घर में पूरा सड़ रहा है उसी में। तो मतलब खाने की भी आफत हो गई, हर चीज का आफत हो गया, खाने का आफत हो गया। उसमें तो कर्जा करके उसमें खेती में लगाए थे, तो सारा कर्ज कहाँ से चुकाएंगे हम? मतलब खेती जो आप किए थे कर्ज लेकर किए थे, कहाँ से चुकाएंगे हम? लगभग कितना कर्ज होगा? कर्ज तो वही 30-35 हजार रुपया हो गया कर्ज, खाली खेती करने में। मुनाफा तो छोड़ दीजिए, आपका वो भी गया। मुनाफा की कहाँ बात है, खाने में भी आफत हो गया, मुनाफा कहाँ से आया, खाने पे आफत हो गया। ये एक साल तो पूरा बर्बाद हो गया एक साल। सरकार कह रही है कि 7,000 में हम लोग का क्या होगा? 35,000-40,000 रुपये हम लोग खेती में लगा के खेती किए हैं, 5,000-7,000 रुपये में हम लोग का क्या होने वाला है, बताइए ना। कोई पूछने आया है? आज तक तो अभी कोई नहीं आया है, कोई नहीं आना है देखने, पूछने तो देखने भी नहीं आए हैं, पूछने का तो अलग बात है, रोड पर से देखने भी नहीं आए आज तक ले अभी कोई नहीं आया। आधार खेती ही होगा बस, हम लोग का आधार खेती है, वही खत्म हो गया। क्या नाम है चाचा? बली बांझी। कितना खेत डूबा होगा? 10। पूरा दहा गेल, गभार दहा गेल, अब हमने काम कर वही आधार पर से खेती हो, धान बान हो तो काम चली, अपन काट पीट के खायल जाए, तब वो दहा गेल। हमने गरीब आदमी कथी खाना, कथी सब कुछ बर्बाद। सब धान दह गेल तब कथी कहिया ना कहिया, किछो लौटते नहीं गए हमने। ना मुखिया हो जाए, ना सरपंच अबता, ना वार्ड अबता, ना समिति वाला हो जाए, केहू लिखा ना हो। सरकार की तरफ से कोई आया? कोई नहीं। मुआवजा मिलने वाला है 7,000। 7,000 से कथी है गरीब आदमी का, तो तब उहे तगादवा ले बन तो उन्हें सब ले ली, हम खाम कथी। हाँ? आपका क्या नाम है? बिजली साहनी। आपका कितना लगभग खेती बर्बाद? 1 बीघा बर्बाद हो गया। सब अपना खेत था कि होंडा खेत है मोतिहारी वाला? तो पैसा लगाए होंगे खेती में, बढ़िया पैसा। 50,000 रुपया खर्चा है, 50,000 नुकसान, पूरा नुकसान हो गया। बाकी जो मुनाफा आता वो भी खत्म हो गया। अब अच्छा लोग क्या खाएगा? खाते भी तो आप लोग होंगे कि अपना खेती हुआ उससे जो निकला, जो बच गया हुआ। हाँ, तो वही तो हम लोग का आधार है, कोई बिजनेस थोड़ी है, खेती से आधारित है, जो भी आधारित है खेती आधारित। तो कोई नहीं आया सरकार की तरफ से कि नाम लिख लिया जाए, देख लिया जाए कि किसका? कोई नहीं, कोई भी सरकार का आदमी यहाँ देखने नहीं आता है। सीओ वीडियो कोई नहीं, मुख्य प्रशासन नहीं, सीओ वीडियो कोई नहीं आता है। यहाँ डूब जाता है, धस जाता है, कोई भी विनाश हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। जब आते हैं लोग 5 साल में एक बार, कब आते हैं 5 साल में एक बार, जब इलेक्शन का टाइम होता है ना उसी समय आते हैं लोग। और उसके बाद अब डूबो मारो धसो उसको कोई मतलब नहीं है। 7,000 रुपये कड़ा है कि मिलेगा? 7,000 से क्या होगा उसे, जब ब्याज नहीं सड़ेगा, ब्याज नहीं सड़ेगा। 7,000 का मुनाफा से मतलब 50-50 हज़ार रुपये लगानी लगा हुआ है। उससे अब 7,000 दीजिएगा तो उससे क्या होगा आपको? सरकार 7,000 देगा था, 50,000 का तो ब्याज है, 4 रुपये सैकड़ा। चलिए, तो ये स्थिति है पूर्वी चंपारण के कई इलाकों की। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? कितना बर्बादी हुआ खेती का? 4 एकड़ बर्बाद हो गया। कैसे होगा? काफ़ी उसमें खर्च लगा होगा। कितना लगभग लग गया? 30,000 रुपया लगा था। अपना पैसा लगाया थे, खर्च लिए। अपना कहाँ से? हमने बताइए, हम काट के लगाते हैं, जब होता है तो उसको भी देते हैं, बांट करके अपना भी ड्राइवर भी चलता है। और इस वक्त वो भी गया, गला और नफा सफा सब हो गया। खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी? बहुत दिक्कत। लगता है एक साल भर हम लोग क्या खाएँगे। परिवार में कितने लोग? 6 आदमी। सब आप पे आधारित होगा? मेरे ऊपर आधारित। बहुत समस्या होगी। बहुत समस्या होगा, बहुत भारी समस्या होगी। महंगाई का एक बार अलग है, कल तो लगी 140 रुपये किलो बिक रहा है। 140 चीनी हो गया 50 रुपये। कोई हालचाल लेने आया है? कोई नहीं, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। डूबो धसो मरो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव का वक्त आएगा, उसी वक्त आएगा अपना वोट दो भाई। जाति पाति का नारा चुनाव में लगाएगा, अपना खुशी के लिए जाति पाति का नारा लगाएगा। मुआवजा की बात हो रही है कि 7,000 मुआवजा मिलेगा। 7,000 मुआवजे से बताइए आपकी क्या होगा? साल भर का रवा रोजी रोटी चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। सरकार मुआवजा दे ना दे, लेकिन अब तो इमारत तो झेलना होगा। पूरा आसपास का लगभग 5-6 पंचायत इस इमारत को, 6 पंचायत, चिकनिया पंचायत, नवरंगिया पंचायत, लखौरा पंचायत, बड़ो पंचायत, कठा पंचायत, रामगढ़वा पंचायत, ये बारिश के चपेट में 6 पंचायत। माने फसल जो है वो बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान इससे अगर 1 महीना 15 दिन पहले ही बाढ़ आया होता तो इतना बर्बाद नहीं होता। इसलिए कि सब धान गबा गया, जितना में पानी चला गया वो सब सड़ गया। तो ये स्थिति है, फसलों की भारी क्षति हुई। लोग कह रहे हैं कि 7,000 के मुआवजा में भी कुछ होने वाला नहीं है। बाकी पूर्वी चंपारण से आदर्श कुमार की लोकल 18 के लिए ये रिपोर्ट।